दोस्तों जिसका मुझे था इंतजार, पटवारी भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो गया है। टोटल पोस्ट 3850 है। बिल्कुल जो वेट सबका खत्म हुआ और इसी के साथ ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फॉर्म स्टार्ट कब से है, फॉर्म फीस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, परीक्षा की स्कीम क्या है, बिल्कुल सारा इस वीडियो में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल पोस्ट सबसे पहले बता दो, 3850 पोस्ट है इसमें। जो 3835 की बता रहे थे, 3850 पोस्ट इन्होंने पे भी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। फॉर्म स्टार्ट मैं आपको बताऊंगा आगे, फॉर्म फीस भी बताऊंगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन अखबार की कटिंग देख लेते हैं। अखबारों में क्या क्या कटिंग आई थी, जो 3850 नहीं 3850 है, 50 है कंप्यूटर सेक्शन, तो ग्रेजुएशन प्लस नहीं सॉरी 12th बेस पे, और जो RSCIT का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, और जो MTech BTech वालों को सबको शामिल किया गया जिन्होंने कंप्यूटर में जो MTech BTech किया, जिन्होंने डिप्लोमा किया कंप्यूटर में, वो भी इसमें एलिजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, 12th प्लस RSCIT, ओके। और परीक्षा एक ही होगी, दो परीक्षा नहीं है। और बता दूं आपको, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैं आपको नोटिफिकेशन भी बताऊंगा इस पर, उसकी वेबसाइट पे भी चलेंगे अपन, और आप इसके अलावा भी आप इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, भू राजस्व नियमों में कोई संशोधन नहीं, वो संशोधन उनका उनका काम था, आपने कोई जरूरत नहीं है। 3850 पोस्ट पर भर्ती आ चुकी है, BTech MTech सारे शामिल हो गए हैं। ठीक है, 2015 में भी ये मामला हुआ था, लेकिन उनको उस टाइम भी शामिल किया गया और अब भी शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया है काम शुरू। 12 नवंबर बता दूं डेट आपको, 12 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट है पटवारी के। ठीक है, और फरवरी में इसके जो है एग्जाम हो जाएंगे, सिर्फ 3 महीने मिलेंगे भर्ती के लिए, तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स, जिनकी पहले से तैयारी है उनको बेटर मौका है कि वो पटवारी बन के ही रहेंगे इस बार। ठीक है बेटर, और फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम भी पटवारी का जो है बैच शुरू करने वाले हैं, जिसमें गणित, राजस्थान जीके, हिंदी और कंप्यूटर के संबंधित जो है, जो पटवारी भर्ती 2015 में हुई थी उसी के बेस पे बिल्कुल तैयारी करवाई जाएगी। तो जिनको पटवारी भर्ती, जो फ्रेश बंदे हैं वो पटवारी भर्ती की तैयारी, पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी पे बिल्कुल बहुत जल्द ये पटवारी के फॉर्म स्टार्ट होने से पहले अपन एक बैच चलाएंगे उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, पटवारी भर्ती के लिए अभी तक नहीं है, 12th बेस की भर्ती है। 3850 नहीं है, 3835 नहीं है, 3850 पोस्ट है। ठीक है, गहलोत सरकार की पहली भर्ती आ चुकी है, आप बिल्कुल दम के दमदार तैयारी शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। ये परीक्षा के पाठ्यक्रम की स्थिति की प्रीलियम्स नहीं है, ये पुरानी है, तो प्रीलियम्स नहीं है, इसमें एक ही होगी और यही जो है वो बिल्कुल मेथड रहेगा। ये 300 अंक की भर्ती है, जो पहले भी हुई थी और अब भी होनी है। एक ही एग्जाम होगा, 12th बेस प्लस RSCIT। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका वेबसाइट विजिट कर सकते हो, मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो फ्रेंड्स। इसमें आपको उससे पहले मैं फीस बता दूँ कि जो है जनरल OBC है उनकी 450 फीस है, और SC ST कैटेगरी की है उनकी 350 फीस है। ठीक है फ्रेंड्स, यही 2015 में थी और यही 2019 में फीस रखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या हो गया इसका, और मैंने सब बता दिया, और कुछ बचा नहीं है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ये भर्ती आ चुकी है, आप तैयारी जारी रखे, बहुत दमदार तैयारी शुरू कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, अपन चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। फ्रेंड्स ये देखो, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन इसको कुछ कुछ कारणवश इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ। आप इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, लेकिन वहां पे भी इतना सही डाउनलोड हो रहा है, ये जूम नहीं हो पा रहा है। मैंने ट्राई कर लिया, जूम नहीं हो पा रहा है, तो आप इसका वेबसाइट पे विजिट कर ले या दोबारा नोटिफिकेशन आए तो देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये भर्ती आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल राजस्थान अधीनस्थ, इतना साफ दिख रहा होगा, राजस्थान अधीनस्थ है मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड जयपुर, ये पटवारी भर्ती से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हो उसकी वेबसाइट विजिट करके। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, मेरे को इतना ही बोलना था, आपको बता दिया भर्ती आ चुकी है, आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, 12 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट है।